आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जिंदगी जुर्रत, अंथक मेहनत, दयानतदारी, हक गोई का हसीन इम्तिजाज थी। बरेसगीर की आज़ादी के लिए बाबाए कौम का मौकफ दो टोक रहा। ना कांग्रेस इन्हें अपनी जगह से हिला सकी और ना अंग्रेज सरकार इनकी बोली लगा सकी। क्रिसमस का त्यौहार, 400 खुशियों की फुहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों, क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। सांता क्लॉज ने बच्चों को एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गिरजाघरों में मजहबी गीतों की तकारीफ का इनेकाद, मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। तब्दीली आ गई हुकूमत का, जनूबी पंजाब के शहरों में काबीना इजलास मुरक्कद करने का फैसला। 29 दिसंबर को सरदार उस्मान मुजदार बहावलपुर में काबीना इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, जनूबी पंजाब में काबीना इजलास का मकसद तख्ते लाहौर के नारे की नफी करना है। फैसले का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनना है। तब्दीली सरकार के होते हुए भी पुलिस तशद्दुद की रवायत बरकरार। सब्जाजार के इलाके में पुलिस तशद्दुद से नौजवान का सर फट गया। पुलिस की नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर दी। ओवरटाइम के नाम पर सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाले निर्गे में आ गए। वासा मुलाजमीन को ओवरटाइम देने के लिए नए SOPs जारी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन ओवरटाइम काम नहीं करेंगे। सितंबर 2017 में दायर हुआ, दिसंबर 2018 में फैसला हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 3 अरब 47 करोड़ रुपए जुर्माना। 10 बरस तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल। एहतसाब अदालत का अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन और हुसैन नवाज मफरूर करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ बरी करार। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 19 दिसंबर को महफूज किया फैसला सुना दिया। नैब का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला, अडियाला के बजाय लाहौर जेल मुंतकिल करने की नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली, आज जेल में ही सालगिरह मनाएंगे। महकमा दाखिला के अहकाम पर नवाज शरीफ को बी क्लास दे दी गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स को तैनात करने के अहकाम जारी। चलो चलो कोर्ट लखपत जेल चलो, लीगी कारकुनों को भी कायद के इस्तकबाल का हिदायत की। न किक बैक्स न एक पाई करप्शन, सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत नहीं। 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमाए तसाब के बाद एक ही शख्स को चौथी बार सजा। अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी। वालिद को सजा मिलने पर मरियम नवाज ट्विटर पर सख्त रद्द अमल सामने आया। कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है फतह नवाज शरीफ की है। PTI की हुकूमत का मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। हल्के के देरीना मसाइल हल करवाएंगे। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से न्यू मजंग समनाबाद में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करवाने की यकीन दहानी।
और हजरत मौज दरिया बुखारी के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन की जोग दरजोग दरबार पर हाजिरी। फातेह खानी जिक्र अज़कार की खसूसी महाफिल का भी इनेकार।